टुडेज आर वीट इज द प्रोनाउंस टाइप्स। मॉर्निंग आपको बच्चों, हम आपको पिछली वीडियो में प्रोनाउन के चार भाग आपको हम बता दिए थे, है ना। आज हम आपसे बात करेंगे पांचवे वाले भाग की। पांचवा आपका जो भाग है वह है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, आई एल ए टी आई टी। यानी आपका संबंधवाचक ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस जो शॉन द रिलेशन बिटवीन द नाउन, है ना। यह क्या है कि यह आपका वाक्य में किसी भी नाउन से पहले, किसी भी नाउन से पहले अपना संबंध प्रदर्शित करता है जो वाक्य में पहले यूज हुआ हो। यह क्या है कि यह संबंधवाचक जो है वह आपका, अगर आपके वाक्य में कोई भी नाउन है और नाउन वाक्य से पहले अगर वो प्रयुक्त हुआ है तब वह अपना वाक्य का संबंध प्रदर्शित करता है। हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रोनाउन लिव्स द रिलेशन विद द नाउन यूज बिफोर इट, नाउन से पहले अपना संबंध प्रदर्शित करता है। जैसे द कार विच आई बॉट, बी ओ यू जी एस टी, द कार विच आई बॉट इज एनी डेवलपमेंट न्यू। तो ये क्या है कि वह कार जो मैंने ली नई है, या वह कार जो मैंने परचेज की अपनी खरीदी वह नई है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर आपका ये जो है विच, ये आपका संबंधवाचक यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा, या हम इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, ये तो थी कि आपकी भाई, तो जहां भी आपको ये प्रकार के आपको शब्द और वाक्य मिले आपको वहां पर समझ जाना है कि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपसे बात की जा रही है, आपसे बात की जा रही है। अच्छा, फिर आपका आता है पार्ट नंबर सिक्स पे, ये आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि आपका संकेतवाचक सर्वनाम। यानी कि आपका संकेतवाचक सर्वनाम, तो ये क्या है
ये क्या है कि the demonstrative pronoun is shown the relation between the person, place or thing. यही इसकी डेफिनेशन है. इसकी डेफिनेशन क्या है कि यह सर्वनाम डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन के द्वारा व्यक्ति, स्थान और वस्तु को प्रदर्शित करता है ना. यह मतलब डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन के द्वारा व्यक्ति, स्थान और वस्तु को शो किया जाता है. तो वह आपका संकेत वाचक सर्वनाम कहलाता है. जैसे हम इसमें कहेंगे दैट इज ए कार, दोज आर पेंस, दिस इज ए बुक, है ना. तो क्या है कि हम यहां पर आपके संकेतों के मालूम करा रहे हैं कि दैट इज अ पेन, वह एक पेन है. दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है. तो यहां पर क्या है, यह, वह, ये और वे, ये चारों आपके संकेत वाचक सर्वनाम कहे जाएंगे. यहां पर आपका दैट कहा जाएगा, यहां पर आपका रोज कहा जाएगा, यहां पर आपका दिस कहा जाएगा. तो यहां पर व्हेन यू सी द दिस दैट दोज, व्हेन यू सी द दिस दैट दोज, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट कि दिस इज द डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन मींस संकेत वाचक सर्वनाम. ये आपका यहां था. तो यहां पर प्रस्तुत वाक्य में दिस, दैट, दोज, दिस और दी, ये आपके संकेत वाचक प्रोनाउन कहे जाएंगे. अच्छा, फिर आपका हम बात करते हैं संकेत वाचक के बाद में. संकेत वाचक के बाद में फिर हम आपकी बात करते हैं प्रोनाउन संख्या आपकी कितने की, सात की, है ना. तो ये आपकी प्रोनाउन संख्या में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, TISTRU distributive pronoun. तो वही अगर कहें ये आपके विभाग सूचक सर्वनाम कहे जाते हैं. या फिर क्या है आपके विभाग सूचक सर्वनाम. यह वह प्रोनाउन है जो कि बहुत से व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं की आपको वस्तुओं के लिए जो प्रयोग किया जाता है. द मैनी अदर पर्सन्स, मैनी अदर प्लेसेस एंड मैनी अदर थिंग्स विच इज द यूज्ड दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना. जो मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा, किसी भी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा और किसी भी स्थान के लिए, जहां पर स्थान एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वस्तुएं बहुत सी हो सकती हैं, तो वहां पर इनको विभाग सूचक सर्वनाम कहा जाएगा. जैसे each pen of mine, मतलब प्रत्येक पेन जो है वह मेरा है ना. या फिर हम लोग सेकेंड डॉक्यूमेंट लिखे एन ओ एनी नन ऑफ द बॉयज प्रेजेंट हियर, यहां पर कोई भी बालक मौजूद नहीं
सॉरी वाज नॉट, वाज नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंटी प्रेजेंट मतलब कोई भी बालक यहां पर मौजूद नहीं था। तो यहां पर आपका एक इच माने प्रत्येक और एन एनी मतलब न मतलब कोई नहीं है ना। तो ये दोनों जो है आपके वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम कहे जाएंगे है ना। यहां कल अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो बताए तो हम आपका अंतिम पर आते हैं पार्ट नंबर आपका आठवां। रो नाउन का पार्ट नंबर आठवां है अंतिम है ये। डेफिनेट आई एन डी एन एफ आई एन आई टी ई आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई डेफिनेट प्रोनाउन। निश्चयवाचक सर्वनाम यह आपका क्या है, यह आपका दिस प्रोनाउन विच डज नॉट, दिस प्रोनाउन विच डज नॉट रेफर ए डेफिनेटिंग पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड डेफिनेट प्रोनाउन। निश्चयवाचक प्रोनाउन मतलब कहा जाए तो क्या कहा जाए इसमें कि जो प्रोनाउन किसी भी आपके निश्चित व्यक्ति निश्चित स्थान और आपकी निश्चित वस्तु का बोध नहीं करवाता, जहां पर हमको यही ना मालूम हो कि यहां पर कितने सारे व्यक्ति हैं, यहां पर कितनी सारी वस्तुएं हैं, यहां पर यह जिस जगह हम आए हैं यह कौन सी जगह है, स्थान कौन सा है, तो जब हमको नहीं मालूम हो दैट वी आर डोंट नो हाउ मेनी persons, how many books, how many things, where is the place, so that is called the definite pronoun। ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा जो जो किसी निश्चित व्यक्ति निश्चित स्थान और निश्चित वस्तु का बोध नहीं करवाता है वह आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपका अगर यह है लेंगे तो ये आपका तो क्या डू गुड डू गुड अच्छा करो टू ओट एट या अदर एंड फॉर वॉट इट मतलब डू गुड टू अदर एंड फॉर वॉट इट मतलब दूसरों के साथ अच्छा काम करो और उस काम को फिर भूल जाओ। यानी कि सीधी सीधी बात है यहाँ पर नेकी दुनिया में डाल, इसको हम यू भी कह सकते हैं कि आप अच्छा काम करें लेकिन या उस अच्छे काम को करने के बाद आपको ध्यान ही ना रहे कि हमने कौन सा अच्छा काम किया था। तो यहां पर आपका हीरो कोट किया
प्रोनाउन है ना, एन भी आपका निश्चित वाचक प्रोनाउन है। तो आज आपका ये जो था आपका प्रोनाउन का आपका जो था आज पार्ट, वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। जहां आपका घर हो वहां पर बने रहे, स्टे योर होम एंड डू योर वर्क सो फास्ट एंड स्टडीज योर बुक्स एंड यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द इंग्लिश टीचिंग सो यू ऑल बी एंड यू सेफ। सो वी आर वेरी गुड एंड यू बच्चों ऑल्सो गुड, टेक केयर एंड बाय। दिस चैप्टर इज विल बी एंड। Thanks a lot.